सुने आईने की त्रिप्रियम। देखो इसके अंदर पहले तो इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसकी जिसकी मोल्टन फॉर्म या जिसकी एक्वस फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। सब्सटेंस हुज एक्वस फॉर्म और इट्स मोल्टन फॉर्म कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सब्सटेंस हुज एक्वस फॉर्म और मोल्टन फॉर्म कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल लिया Na सॉलिड सबको पता है कंडक्ट नहीं करता है। Na सॉलिड सबको पता है कंडक्ट नहीं करता, लेकिन मोल्टन फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में है तो कोई आयंस नहीं मिलेंगे इसके अंदर। आयंस होंगे इसके अंदर लेकिन वो फ्री नहीं होंगे, दे विल नॉट बी फ्री टू मूव। आयंस दे विल नॉट बी फ्री टू मूव। Na प्लस Cl नेगेटिव होंगे लेकिन ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इसलिए कोई कंडक्शन नहीं। तो क्वेश्चन अगर आता है NaCl सॉलिड डज नॉट कंडक्ट, क्या रीजन आएगा? बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री। Na प्लस Cl नेगेटिव, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। NaCl molten form में होगा तो ये कनेक्ट करेगा, या ये aqueous form में होगा पानी के अंदर डाल देंगे इसको तो Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा aqueous form में, और अब ये कनेक्ट करेगा, अब ये कनेक्ट कर जाएगा, ध्यान रखना चीज का। तो aqueous form में और molten form में इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्ट करेगा वो इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग होगा जैसे NaCl स्ट्रॉन्ग है तो ये कम्प्लीटली आयनाइज होगा। NaCl स्ट्रॉन्ग है तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा एक्वा सॉल्यूशन में। अब जैसे HCN है, ये वीक है पानी में डालेंगे तो पार्शियली आयनाइज होगा, 2% 3% 5% इतना। 5% से कम होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, 5% से ऊपर भी है तो भी वीक है, 100% आयनाइज होता है तो उसे स्ट्रॉन्ग मानना है। HCN जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं नॉर्मली वो 5% 6% इसके आसपास ही आयनाइज होते हैं। एक्वा सॉल्यूशन में डाला इसको तो ये H प्लस और CN माइनस देगा, बहुत कम अमाउंट। अगर इसके इसके मैंने 1000 मोल ले लिए, 1000 मोल लिए तो उसको हो सकता है 2-2 मोल इसके मिल जाए बस, इतना। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होता है जो बहुत कम आयंस देगा पानी के अंदर, वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बता दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट बता दिया। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं, वो नोट करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, ये नोट करना है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, पहले नोट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेट क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स नोट करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है? जैसे HX यहां पे ClBrI, X यहां पे HCl HBr HI, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स। HCl HBr HI ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहां से ध्यान सुनना बिल्कुल, HCl HBr HI स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। फिर नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर दिया मैंने HClO4, HClO4 ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। परक्लोरिक एसिड, ध्यान रखना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। HClO4 क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, याद रहेगा सही ना? HClO4 स्ट्रॉन्ग परक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अच्छा अब नेक्स्ट आ गया वीक एसिड्स। वीक एसिड्स में बहुत सारे वीक एसिड्स हैं, जैसे HCN, HCN, H2S, HF, यहाँ छूट गया था ना HF, HX में F नहीं था, HF, उसके बाद आ गया HNO2, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग था और नाइट्रस एसिड क्या है? वीक। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग, नाइट्रस एसिड वीक। इसके अलावा H2CO3, H3PO3, H3PO2, H3PO4, ये सब क्या है? वीक एसिड्स में काउंट होंगे, ये सब वीक एसिड्स में काउंट होंगे। फिनॉल वीक एसिड है, बहुत यूज होगा अभी। RCOH ये वीक एसिड में काउंट होगा, RCOH ये दोनों बहुत यूज होंगे, ये वीक एसिड में काउंट होंगे। RCOH मैं एक जनरल एग्जांपल लेके चलूंगा, तो ये वीक एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड बता दिया, वीक एसिड बता दिया। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी अल्कली और अल्काइन अर्थमेटल्स के बेसिस है, अल्कली और अल्काइन अर्थमेटल के बेसिस है मोस्टली, उनमें से ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे NaOH, KOH, RBOH,
CSOH, BAOH twice, SROH twice. ऊपर वाले थोड़े वीक होंगे, वीक जैसे जैसे LIOH बहुत स्ट्रॉन्ग में काउंटर होता है, इसको स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा. BEOH twice जो कि एम्फोटेरिक है, BEOH twice क्या है, एम्फोटेरिक, सही ना, BEOH twice एम्फोटेरिक है. MGOH twice को भी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में काउंट करेंगे, ज्यादातर केसेस में स्ट्रॉन्ग लेंगे, ज्यादातर केसेस में स्ट्रॉन्ग लेंगे. रुक खड़े होकर पढ़ना, सही ना, इसको BEOH twice तो एम्फोटेरिक है, बाकियों को हम इसको स्ट्रॉन्ग में MGOH twice जैसे है, इसको स्ट्रॉन्ग में ले लेते हैं मैक्सिमम केसेस में, कई बार वीक में भी काउंट होगा क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है पानी के अंदर, स्पेरिंगली सॉल्युबल भी मानते हैं इसको, इसका KSP डिफाइंड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस बता दिया. ऐसे वीक बेस क्या होगा, वीक बेस जो यूज होगा, वीक बेस सबसे इंपॉर्टेंट एमोनिया होगा या NH4OH, एक ही बात है. इसके अलावा MnOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस, CDOH, बहुत सारे हैं ऐसे जो वीक है. अमोनिया मत भूलना, बिल्कुल अमोनिया ही वीक में ज्यादातर यूज होगा, सही ना, अमोनिया ही वीक में ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखना चीज का. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये तुम्हें पता होना चाहिए. अब जैसे मैंने इसके अंदर बोला एग्जांपल दो, इसके अंदर कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, क्या एग्जांपल बन जाएगा, NH4Cl. कैसे, NH4OH लिया और साथ में HCl मिक्स होगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर ये बाहर निकल गया और बन गया NH4Cl, वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, NH4Cl. समझ आ गया कि नहीं है? तो NH4Cl जो है ये सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस. NH4Cl जो एसिड, NH4Cl जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है. इसको निकालने के लिए तुम्हें आना चाहिए हमेशा, किस तरह से निकलेगा ये, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ यहां से बॉन्ड को क्लीवेज करना है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस. NH4 प्लस है, ध्यान देना सॉल्ट किससे मिलके बना है, ये तुम्हें देखते पता लगाना आना चाहिए. इसमें H2 डाल देना, उल्टे प्रोसेस के लिए इसमें H2 डाल देना. H2O में H प्लस है और OH माइनस. H प्लस किसके साथ जाएगा, H प्लस किसके साथ जाएगा, H प्लस किसके साथ जाएगा, Cl माइनस के साथ. तो HCl बन जाएगा और Cl माइनस, NH4 प्लस के साथ क्या जाएगा, OH माइनस, तो NH4OH बन जाएगा. समझ गए कि नहीं, इस खड़े को पढ़ना, समझ आई बात कि नहीं है. NH4 प्लस OH आयंस, NH4OH, H प्लस और Cl माइनस तो अच्छी है, HCl आ जाएगा. समझ आ गया कि नहीं है? तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है. इसके अंदर सॉल्ट से एसिड और बेस कौन से हैं ये पता लगाना चाहिए, सॉल्ट से एसिड और बेस कौन से पता लगाना चाहिए. NH4Cl के अंदर कौन सा एसिड है, HCl, कौन सा बेस है, NH4OH, कौन सा एसिड है, HCl, कौन सा बेस है, NH4OH. तो ये सॉल्ट कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस. एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा, HCl, बेस कौन सा वीक है, NH4OH. तो इसलिए ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनी है. तो इसलिए बोलेंगे इसकी एक्वा सॉल्यूशन है एसिडिक. NH4Cl की एक्वा सॉल्यूशन क्या होगी, एसिडिक, ये एसिडिक है. मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, समझ आ गया था कि नहीं, इसकी एक्वा सॉल्यूशन क्या होगी, एसिडिक, इसकी एक्वा सॉल्यूशन होगी एसिडिक. पीएच होगा इसका लेस देन 7, इसका पीएच होगा लेस देन 7, समझ आ रहा है कि नहीं, ये इसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7. और एक चीज मैं और बता रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा इसका, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसका कौन से टाइप का हाइड्रोलिसिस होगा, इसका कौन से टाइप का हाइड्रोलिसिस होगा, इसका कौन से टाइप का हाइड्रोलिसिस होगा, कंप्लीट.
इसका हाइड्रोलिसिस होगा कैटायनिक, इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा कैटायनिक, इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा कैटायनिक, समझ गए कि नहीं? ये ऐसे याद रखना, ऐसे सॉल्यूशन अगर H+ आयन दोगे, H+ आयन मींस कैटायन, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ऐसे याद कर लो उसको, समझ गए कि नहीं? ये सर पीएच क्या बोला था आपने? लेस देन 7, पीएच लेस देन 7 होगा इसका। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ओके सर। तो ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऊपर लिखा मैंने एच एच स्ट्रॉन्ग एसिड, उसमें सी एल बी आर आई अगर आएंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, एच सी एल एच बी आर एच आई, ये स्ट्रॉन्ग है, एच एन ओ थ्री स्ट्रॉन्ग एसिड, एच टू तो फोर स्ट्रॉन्ग एसिड, एच सी एल फोर स्ट्रॉन्ग एसिड, ऊपर लिखे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये रटा होना चाहिए हमेशा ताकि गलती ना हो गई। फिर नीचे वीक एसिड लिखे, डब्ल्यू ए जो लिखा है वीक एसिड, तो एच सी एन एच टू एस एच एफ एच एन ओ टू, ये क्या है? ये सब वीक एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग बेसिस में अल्कली और एल्काइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस। और वीक बेस कौन सा होगा? अमोनिया, इसको याद रखना है, NH3 और NH4OH, वीक बेस क्या होगा? NH3 या NH4OH, क्लियर है कि नहीं है? NH3 NH4OH। अब नेक्स्ट बोला मैंने जैसे CH3, एक और ट्राई करेंगे, मैंने दिया तुम्हें जैसे KCN, चलो KCN बताना है कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना, KCN कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना, KCN कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना है कर देना पॉजिटिव नेगेटिव को, KOH और HCN, KOH और HCN। अब इसमें सॉल्ट ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, वीक एसिड वीक बेस से, किससे है ये? सो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक नो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड और वीक एसिड, हां स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो लिपिका बोलो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन कौन सी होगी, सॉल्यूशन कौन सी होगी? बेसिक होगी, बेसिक, हां सॉल्यूशन होगी बेसिक क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। और पीएच कितना होगा? जब पीएच मोर देन 7 होगा और अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। परफेक्ट, देखो लिपिका को 10th में वो समझ आ गया, तो उसको समझ आ जाना चाहिए, इजी पार्ट होता है बिल्कुल। KCN जो है, दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH एंड वीक एसिड HCN, देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी बेसिक, इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल बी बेसिक और अल्कलाइन, इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल बी बेसिक और अल्कलाइन, एंड पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक सॉल्यूशन है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो अब दो तीन एग्जांपल दे रहा हूं, उनमें तुम्हें यही चीज बतानी है सबको, मैं दो तीन एग्जांपल दे रहा हूँ, यही चीज बतानी है। सपोज दिया मैंने डेसीमोलर 0.1 मोलर 0.1 मोलर HCOOK, पहली एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल 0.1 मोलर NaNO2, 0.1 मोलर NH4CN, 0.1 molar itni late aa raha hai, chal aa idhar hi aa ja mere sath baith ja, 0.1 molar Na2S, 0.1 molar KNO3, 0.1 molar CaF2, 0.1 molar CuSO4, CuSO4। तो इसमें तुम्हें बताना है कौन से टाइप का हाइड्रोलिसिस है, कौन से टाइप की सॉल्यूशन है, क्या पीएच होगा, ये ट्राई करना है, 6-7 क्वेश्चन जो दिए हैं, जल्दी।
ये हो गए क्वेश्चंस के नहीं, किसी ने किया है सर जी? ये तुमने कर लिए सारे, पूरे करो ना सर, पूरे करने के बाद बोलना। हाँ सबने ट्राई कर लिए? ध्रुव, लिपिका? हाँ जी सर, ट्राई हो गया ना? आप देखो एक बार आंसर देखेंगे इसके, मैं पहले आंसर बता रहा हूँ फिर डिटेल दूंगा इसके। सब फर्स्ट वाले का आंसर है बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन होगी और एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। पूरा लिखना तुम लोग, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा बेसिक सॉल्यूशन, एनायनिक हाइड्रोलिसिस और पीएच होगा क्या? लिखना ऑलमोस्ट न्यूट्रल,
ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन और बोथ हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक भी एनायनिक भी, बोथ हाइड्रोलिसिस और पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 से थोड़ा ज्यादा भी होता है, 7 से थोड़ा कम भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन पीकेए एंड पीके ऑफ पीके एंड पीकेबी ऑफ एसिड एंड बेस. Na2S बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है H2S, तो बेस स्ट्रॉन्ग तो बेसिक सॉल्यूशन, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, पीएच ग्रेटर देन 7. KNO3 KOH स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इसलिए ये हो गया, ये हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये एग्जैक्टली न्यूट्रल होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो एग्जैक्टली न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. नो हाइड्रोलिसिस, ये प्रूफ करूंगा मैं भी, नो हाइड्रोलिसिस और पीएच इक्वल टू 7, पीएच इक्वल टू 7. CaF2 में CaOH होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है, HF वीक एसिड है, CA के साथ OH आयन जाएंगे, CaOH होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है, HF वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन एनायनिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक सॉल्यूशन एनायनिक हाइड्रोलिसिस और पीएच होगा ग्रेटर देन 7. लास्ट केस कॉपर सल्फेट, CuOH होल ट्वाइस ये वीक बेस है, CuOH होल ट्वाइस ये वीक बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगी, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगी और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा कैटायनिक, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा और पीएच होगा लेस देन 7. कोई ऐसा बच्चा इसके सारे सही हुए हैं? ये इजी वाला पार्ट है, बिल्कुल आगे टफ दूंगा मैं ये. सो मेरे सारे सही हैं. मेरे भी सही थे सर, मेरे भी सही थे सर. चलो कितने बच्चों सही है? नंदिनी, ध्रुव, प्रवीण, हिमांग, निकिता, लिपिका, ध्वनि, गर्व, नवीन, भव्य, रिदम, सिद्धि, हरिंदर, अभिषेक, तान्या. चलो ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब. ये अब इसमें जो मैंने ये लिखा है तुम्हें याद तो हमेशा के लिए होना चाहिए. मैं एक बार इसका प्रूफ दे देता हूँ जल्दी से ताकि आगे जाके तुम्हें और क्लियर रहे. मैं एक का बता रहा हूँ तुम्हें, बाकी तुम खुद निकालना. जैसे NH4Cl सॉल्यूशन इसकी एसिडिक क्यों है, कोई कहेगा व्हाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज एसिडिक, व्हाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज एसिडिक. अगर तुमसे पूछता कोई है तो क्या आंसर देंगे इसका? हम कह देंगे जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें हम NH4 प्लस आयन और Cl माइनस आयन मिलता है, फिर उसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो NH4OH बन जाता है और HCl बन जाता है, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH एक वीक बेस है, तो इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो एक एसिडिक सॉल्यूशन. एक बार सही, एक बार देख ले ध्रुव, ये लिख लेंगे NH4Cl में H2 डाला तो क्या मिलेगा, NH4OH और HCl आएगा ना. यस सर. NH4Cl क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा टूटेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा टूटेगा, और NH4OH नहीं डिसोसिएट करेगा क्योंकि ये वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा टूटेगा, तो यहाँ पे Cl- कैंसिल हो जाएगा. तो अब यहां तुम्हें दिख रहा है कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और H+ आयंस मिल रहे हैं सॉल्यूशन में तो एसिडिक सॉल्यूशन. कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ और एसिडिक सॉल्यूशन है, सही ना, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एसिडिक सॉल्यूशन. और तीसरा केस पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7, सही ना. बाकी तुम प्रूफ कर सकते हो आसानी से, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, KCl ले लिया, KCl में वाटर डालेंगे तो KOH प्लस HCl मिलेगा, KCl जो है K प्लस प्लस Cl में टूटेगा प्लस H2O, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी टूटेगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी टूटेगा, अब कैंसिल हो जाएगा K प्लस और Cl नेगेटिव, तो ये तो कोई हाइड्रोलिसिस है ही नहीं, इट इज सिंपली आयनाइजेशन ऑफ वाटर, समझ गए नहीं, ये कोई हाइड्रोलिसिस नहीं है, इट इज सिंपली आयनाइजेशन ऑफ वाटर, कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा इसके अंदर, ना कैटायन का ना एनायन का, इट इज सिंपली आयनाइजेशन ऑफ वाटर, इसलिए पीएच, वाटर का पीएच क्या होगा 7, तो 7 लिख लेंगे, सही ना, वाटर का पीएच 7 है तो 7 लिख देंगे इसमें, क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए आंसर आ जाएगा इसका पीएच 7 नो हाइड्रोलिसिस, पीएच 7 नो हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल सॉल्यूशन. नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट अब लिया जैसे NH4Cl ले लिया, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट,
पानी डाला इसमें तो NH4OH मिलेगा और HCN मिलेगा, NH4CN जो है NH4 प्लस और CN नेगेटिव में टूट जाएगा प्लस H2O, तो ये आ जाएगा NH4OH, ये तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं क्योंकि वीक बेस है, HCN डिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं क्योंकि ये वीक एसिड है। अब NH4 प्लस और CN नेगेटिव है, ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कैटायन का भी और एनायन का भी, बोथ हाइड्रोलिसिस, सही ना, बोथ हाइड्रोलिसिस दिखेंगे इसके अंदर, बोथ हाइड्रोलिसिस ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये रीजन ये है इसके ध्यान रखना, रीजन को पूछेगा तो रीजन ये देने हैं, ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन। तीसरा पीएच अप्रोक्सीमेटली 7.2 भी हो सकता है, 7.3 भी हो सकता है, 6.8 भी हो सकता है, 6.7 भी हो सकता है, एग्जैक्टली 7 नहीं आता है इसमें क्योंकि थोड़ा बहुत पीकेए और पीकेबी में डिफरेंस होगा, इस वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 7 के इक्वल आ जाएगा, तो ये यहाँ पे मैंने बता दिया। तीसरा केस तुम खुद चेक कर सकते हो ऐसे ही, क्लियर हो गया कि नहीं, ये सबको क्लियर हो गया है, नोट करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लिखना है इसका, ये चैप्टर की स्टार्टिंग है आपसे यहाँ से, ये अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो आगे चैप्टर में बहुत दिक्कत आएगी। एक सबको लॉग एंटी लॉग जरूर आना चाहिए, किसी ने अगर लॉग एंटी लॉग नहीं किया है, ध्यान सुनने लाइन, जिसने लॉग एंटी लॉग नहीं किया है तो मेरे से लेक्चर ले लेना, लॉग एंटी लॉग नहीं किया होगा तो समझ नहीं आएगा चैप्टर बिल्कुल, क्योंकि लॉग एंटी लॉग मैं बहुत फास्ट यूज करूंगा, दो लेक्चर है उसके लॉग एंटी लॉग के, वो ले लेना और कर लेना जरूर, उससे तुम बिना बुक देखे लॉग निकाल लोगे, ऑलरेडी निकल जाएगा लॉग वगैरह। अच्छा अभी इसके अंदर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला लॉ आएगा यहाँ पे ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, किस चीज के लॉज है ये चैप्टर के जो लॉज यूज होंगे, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसमें लिख देना पहले आगे वैलिड ओनली फॉर वीक अल्काइड, सबसे इंपॉर्टेंट, वैलिड ओनली फॉर वीक अल्काइड, स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है अभी मैं डाइल्यूशन कराता था सिर्फ बताऊंगा, डाइल्यूशन जब होगी तब बता दूंगा। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ट्वेल्थ वाले कोई भी बच्चा रास्ता की ऑस्वाल्ड वर्ड और कहां पे आया था, ऑस्वाल्ड ने और क्या दिया था, ट्वेल्थ वाले बच्चों को बताओ होगा, कोई भी तुम बताओ, एक्टिविटी का ग्राफ दिया था कंसंट्रेशन के, और एक आया था ना वहां पे ऑस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड, काइनेटिक्स में फिक्स मेथड जो बताया था टू फाइंड रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह, चलो छोड़ो उसको भी, यहां पे ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया, सपोज वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया एच, ध्यान रखना पूरे आयनिक के अंदर एच ए को मैं वीक एसिड लूंगा, बीओएच को एच ए को मैं एसिड लूंगा, सॉरी वीक नहीं एच ए को एसिड लूंगा, बीओएच को बेस लूंगा और बी ए को पानी मार लेगा तो बी ए बनेगा ना, बी ए को ये चीज मत भूलना, ये भी मैं काफी यूज करूंगा, एच ए एसिड बीओएच बेस और बी ए हो जाएगा सॉल्ट, बी ए सॉल्ट। अब मैंने जैसे एसिड ले लिया एच ए, एच ए कह लो या HCN कह लो या HCOOH कह लो कुछ भी, तो HA जो है इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये वीकली डिस्ट्रीब्यूट होगा H3O प्लस में और A माइनस, H3O प्लस और A माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अगर इसका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में C है तो ये 0-0 होंगे, इक्विलिब्रियम पे इसमें से कितना जाएगा, C में से कितना जाएगा, C अल्फा, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो C था 10 मोल या 10 मोलर, मैंने बोला ये 2% आयनाइज हो गया तो तुम क्या लिखोगे, 10 - 10 × 2/100 लिखोगे कि नहीं, 10 मोल था 10 का 2% आयनाइज हो गया तो 10 - 10 × 2/100 यानी 10 अगर सी था तो 200 क्या है अल्फा, अल्फा समझ आ गया, अब क्या है अल्फा, यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनेशन है, इस टर्म को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम में, अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनेशन है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, अल्फा डिग्री ऑफ आयनेशन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट डिसोसिएटेड या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मूला अगर यूज करना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, याद है ना करवाया वो फॉर्मूला, ये अल्फा का फॉर्मूला पहले बताया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ये तुम्हें सी माइनस सी अल्फा समझ आ गया कि नहीं, सबको 10 मोल था 10 का 2% डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो जो 2% है वो क्या है, वो अल्फा है, तो सी माइनस सी अल्फा बनेगा कितना, सी अल्फा
सी अल्फा. वाटर को कंसीडर नहीं करते अगर रिएक्टेंट में है तो. क्यों कंसीडर नहीं करते वाटर को? क्योंकि वाटर बहुत एक्सेस में होता है. इसका कंसीडर कितना होता है वाटर का कंसंट्रेशन? 55.56 मोलर. याद है कि नहीं है? 55.56 मोलर ये कराया हुआ ना वाटर का कंसंट्रेशन, प्योर वाटर का कंसंट्रेशन. डेंसिटी से निकल जाता है ये 55.56 मोलर. अब यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं के का. के क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA. वाटर का भी नीचे आना चाहिए लेकिन वाटर कांस्टेंट है इसलिए इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. वाटर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, K इनटू H2O बन गया है ना, K इनटू H2O. ये K इनटू H2O बन गया है. तो यहां से आ गया K इनटू H2O को नया कांस्टेंट बनाएंगे KA, क्योंकि ऊपर एसिड था KA. K यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. Ka यहां बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. तो ये यहां से आ जाएगा. H2O को क्यों लिया? दोबारा बोल ध्रुव. H2O को क्यों लिया सर हमने? उसका तो नेगलिजिबल लेते हैं ना. मैंने बोला ना कंसंट्रेशन कांस्टेंट है इसका 55.56 मोलर, बहुत एक्सेस में है. तो इसे जो एक्सेस में होता है इसमें से खत्म भी होगा तो मान ले 2% आयनाइज होगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये इसे कांस्टेंट लेके चलते हैं ना रिएक्टेंट में अगर वाटर है तो. ठीक है सर. तो के यहां से आ गया. के यहां पे ध्यान रखना डिफ्यूजन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट और एसिडिक कांस्टेंट कहते हैं. डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या एसिडिक कांस्टेंट. एंड इज इक्वल टू H3O प्लस कितना है? C अल्फा. A माइनस कितना है? C अल्फा. दिख रहा है ना ये सी अल्फा डिवाइड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा. तो ये आ गया यहां से. सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा. फॉर्मुला भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट. दोनों टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. के क्या यहाँ पे डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. के क्या है? डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा और के में दिक्कत होती है, गलत बोल देते हैं. के लिख दिया तो कॉन्स्टेंट ही होगा. के क्या है? डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ एसिड. के बी होता तो डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ बेस. के डब्ल्यू होता तो आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं के डब्ल्यू को. तो ये यहाँ पे आ गया. और नेक्स्ट टर्म एचायंस कितने हैं? एचायंस कितने हैं? एचायंस या H3O प्लस ये कितने हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए पीएच निकलेगा. एचायंस है सी अल्फा. एचायंस कितने हैं? सी अल्फा. एचायंस कितने हैं? सी अल्फा. पीएच क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस आयंस, यानी माइनस लॉग सी अल्फा. ये भी बहुत यूज होगा. एचायंस सी अल्फा, पीएच होता है माइनस लॉग एचायंस, तो पीएच हो जाएगा माइनस लॉग सी अल्फा. माइनस लॉग सी अल्फा. और दो टर्म और ध्यान रखेंगे. एक तो पीएच प्लस पीओएच, प्रूफ दूंगा बाद में. ये होता है पीकेडब्ल्यू के इक्वल. पीएच प्लस पीओएच ये पीकेडब्ल्यू के इक्वल होता है. और पीएच प्लस पीओएच ये 14 हो जाता है एट 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 14 हो जाएगा. ये याद रखना जरूर, ये यूज होगा बहुत ज्यादा. पीएच प्लस पीओएच पीकेडब्ल्यू होता है और 14 हो जाता है एट 25 डिग्री सेल्सियस. और पीएच प्लस पीओएच एक और टर्म के इक्वल होता है, वो क्या है? पीकेडब्ल्यू. देखो सर मैं ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूं. पीएच ये पीकेडब्ल्यू जो होता है, पीकेडब्ल्यू पीके ए प्लस पीके बी होता है. ये टर्म मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी. तो यहां से केडब्ल्यू आ जाएगा के ए इंटू के बी. के बी समझ गया ना क्या है? और पीएच प्लस पीओएच 14 है तो एचायंस इंटू ओचायंस भी टेन माइनस 14 होगा. एचायंस इंटू ओचायंस टेन माइनस 14 होगा. ये टेन माइनस 14 भी होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस. चलो एक बार रिजॉइन करेंगे फिर मैं बताता हूँ तुम्हें. और बेस के लिए खुद ट्राई करो.